नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा टोटल 27 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग योग्यता रखा गया है। आप यहां देखेंगे तो लेक्चरर इंग्लिश मीडियम, यह जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है और महानदी भवन आप यहाँ देख सकते हैं, अटल नगर नया रायपुर से इसे जारी किया गया है। आप इसमें 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप पद का विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, इसमें टोटल हर में अलग अलग है। देखेंगे तो यहाँ हर विषय का हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, सभी में एक एक पद है। आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारा है, हेडमास्टर का भी निकाला गया है एक पोस्ट। यहाँ देखेंगे टीचर इंग्लिश मीडियम में, यहाँ भी एक एक पोस्ट है, मैथ्स साइंस, सोशल साइंस, हिंदी साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, असिस्टेंट टीचर का भी पोस्ट है। इसमें बहुत सारे पद हैं, टोटल 27 है, हर तरह का एक एक पोस्ट है। आप यहां लिखेंगे लेब असिस्टेंट का भी है और यहां एजुकेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक भर्ती होता है उसमें डीएड बीएड मांगा जाता है। आप यहां देख सकते हैं डीएल एड भी चलेगा और टेड भी यहां होना चाहिए। हर में अलग अलग है, देखिए जैसे कि इसमें बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस मांगा है, इसमें एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इस तरह से इसमें योग्यता मांगा गया है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपको इसका पीडीएफ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 35 वर्ष रखा गया है अधिकतम। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं इंटरनल मेरिट बेसिक शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, इसके बाद डेमो क्लास और पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 स्टेज कराए गए हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहां दिया हुआ है, यहां सभी का आप देख सकते हैं। मार्क अलॉटमेंट कैसे होगा वहां, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई। इसमें हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डीएड, बीएलएड, डीएलएड और टीएटी या कैसे कैसे किसमें जुड़ेगा। जैसे आप यहां देखेंगे तो इसमें टीटी का आवश्यकता नहीं है लेक्चरर में, इसी तरह आप देखेंगे हेडमास्टर में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इसमें किया गया है, पूरा डिटेल आप मार्क सभी पोस्ट के लिए देख सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आप यहां देखेंगे तो यहां स्टार्ट हो जा रहा है 7/11/2020 से और 7/12/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहां आप आवेदन पत्र का फॉर्म देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र का फॉर्म हो जाता है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कब तक भेजना है, 7 दिसंबर 2020 तक आपको फॉर्म को भेजने होंगे। और कहां भेजना है तो आपको यहां भेजना है स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल नया पारा महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ में आपको भेजने होंगे। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।